हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो सुबह के बज रहे 7:35 और मैं रात भर सोई नहीं। फिर से मोशंस तो नहीं, बस बदन दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कि टूट रहा है, लिटरली ऐसा लग रहा है बदन, ऐसा लग रहा है कोई निचोड़ रहा है, पैर हाथ इतने खींच रहे, इतने खींच रहे। और सुबह 8 बजे जाना है हॉस्पिटल, तो इसीलिए फिर मैं उठ गई। मैंने बोला कि क्या करूँ, वैसे भी लेटी पड़ी थी मैं, इधर से उधर पलंग पे कर रही थी। तो अभी कैफ तो सोए हुए हैं, तो मैंने बोला कि जब तक सो मैं फ्रेश फ्रेश हो जाती हूँ, फिर नहाती नहीं हूँ अभी क्योंकि ठंडा है, बहुत ठंडा है मौसम, इतनी ठंडी हवाएं छुटी है कि क्या बोलूँ, एकदम मस्त ठंडा ठंडा हो गया मौसम। मैंने खिड़की दरवाज़ा भी खुला रखा है और यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो, एकदम मस्त मौसम हो चुका है, ठंडा ठंडा। अब पता नहीं है मेरे मिर्ची के झाड़ में कौन सा झाड़ आया हुआ भैया। अच्छी ठंडी हवा छूटी हुई, तो मैंने बोला कि मैं नहाऊंगी नहीं, अगर नहा ली तो और बीमार हो जाऊंगी, इसीलिए फटाफट ब्रश व्रश करके फ्रेश होती हूँ, फिर आप लोग से इंशाल्लाह तैयार होकर मिलती हूँ। सुबह की हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मेरी बहन ने लिए दूधिया, इतना बड़ा दूधिया दाल घुस के लिए, और ये गावटी दूधिया है, जवारी है ना, सब जवारी है, कांदा है, ये यहाँ पे हर चीज को जवारी जवारी कहते हैं, मतलब गावटी माले, कांदा भी गावटी ले लिए, 100 रुपए का 4 किलो ना, माशाल्लाह। चलो सलाम अलैकुम, हमारा टकला, हम लोग निकल गए यहाँ से। टकला अपने आप को पूछ रहा, आपकी कुर्सी को ढाक रहा है, तो हम लोग निकल चुके अभी गुलबर्गा से, बॉम्बे के लिए रवानगी हो गई हमारी। चलो गुलबर्गा वाले लोगों को बहुत बहुत मेरा सलाम, दुआ प्यार बहुत अच्छा दिए, बहुत अच्छे से हमारी खातिरदारी करे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। और हमारे को छोड़ने जावेद आ रहा है, मेरी बहन आ रही है, साथ में आ रही है नसीब आ रही है, अकबर आ रहा, और ये देखो कट्टप्पा नहीं कट्टप्पा नहीं रजनीकांत। चलो सबका सलाम दरगाह पे पेश की मैंने। चलो वाला आया है भाई, किधर से आए आप, केला बेचने कहाँ से आए? कमलापुर के केले है, लाल केले अपने यहाँ मिलते नहीं है, कमलापुर से केला है, यहाँ पे कमलापुर जो गांव है वहाँ से केला होता है। ये देखो अभी मेरे मामू दूसरी गाड़ी से भेजे हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी, रवानगी आ गई हमारी। चलो बंदे नवाज सरकार को हमारा सलाम। और सैम कमलापुर के केले लो आप, ये देखो कितना खुश है ये, आप लोग समझा नहीं, इतना खुश है, सो रहा है और ऐसा नाटक कर रहा है, इतना यहाँ पे झूला झूला सब एक किया, ट्रेन को तो पूरा 10 बच्चे का, एक बच्चे का काम किया है, क्या इसका पॉपी टॉप किधर गया, क्या पॉपी टॉप। देखो चाय लेके शाहरुख मेरे को टिकटॉक से फॉलो करता है माशाल्लाह, यूट्यूब पे मैं डालूंगी इसका ब्लॉग, देखना जरूर। ट्रेन में चाय और क्या लेके आया, रोड खास करके मेरे लिए लाए, देखो माशाल्लाह बच्चा मेरे को आज 6-7 साल से फॉलो करता है, और जब भी मैं अक्कलकोट दरगाह हूँ या कहीं भी आऊँ, गुलबर्गा गया और कहा गया, गोसपा के चिल्ले पे भी गया था महबूब सुभानी की, माशाल्लाह। देखो ये बच्चे की भी आईडी है, मैं डालती हूँ, फॉलो करो, लाइक करो। और ये देखो नैश कड़ी है और समदानी पाव भाजी खा रहा है, करण पे कर वो सफारी, चाय पी। सो गाइस फाइनली इनको तो ओपनिंग उठा दी, कब का ओपनिंग भी कर दी, हम लोग ओपनिंग कर दी, बाम लगा हुआ है। तो मेरी जैसे कि तबीयत मैंने बताया कि थोड़ी नरम चल रही है क्योंकि अचानक से ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी, ठंडी और हमारे घर की जमीन में, चलो इसकी तो है ही खराब तबीयत, बट मेरी भी आंख नहीं खुल रही, बदन बहुत दुख रहा है ठंडी, और एक तो इतनी ठंडी लग रही है और एक तो जमीन इतनी, अभी भी हवा देखने कितनी मार रही है यहाँ पे, मैं बोली नहीं इधर से बहुत हवा आ रही थी, मैं जब कचरा रख रही तो घर, तो इतनी ठंडी हवा छुटी हुई गई इसकी क्या बोलूँ, और जमीन भी इतनी ठंडी होगी, मैं एक्चुअल में चप्पल पहन के घूम रही थी, बट ऐसा हो गया कि ना पता नहीं चप्पल के नीचे ना इतनी धूल कहाँ से आ गई कि पूरे घर में छापे छापे हो रहे थे। मैंने तुमको बोली जाओ पहन लो, बहुत किरकिरी आदमी की सुबह सुबह भी, तो अभी मैंने बाम लगाई सर पे, घुटने पे, कंधे पे, क्योंकि मेरी हालत बहुत टाइट हो गई, पहनते उड़ी
भूख लग रही है अभी इनको। मैं तो कुछ नहीं खा रही थी, फिर उसके बाद मैंने बोला कि नहीं थोड़ा कुछ डालती, तो मैंने थोड़ा बादाम, तो मैंने थोड़ा बादाम केला और ये पानी पी लिया थकेला। तो इनको मैंने उठाई कितने बजे, मैंने तुमको उठाई 7:40 के आसपास मैंने इनको उठाई। मैंने बोली उठ जाओ 7:40 सो गए करके, क्योंकि मैं उठ गई तो मैंने उनको भी उठा देती हूँ। आँखें आके देख सकते सूजी की भी सोई नहीं। वहाँ पहुँच के आपसे मिलता हूँ। यस गाइस, सोया आया भी है। गाइस ये आदमी रिवर्स पैर मार रहे थे, बोलते मैं जा रहा घर पे, मेरे से नहीं हो रहा। ओ माय गॉड, सुबह की धूप, सन किस, शुड आई किस? बोलता मैं जा रहा घर पे, मेरे से नहीं हो रहा क्योंकि हवा इतनी ठंडी छुट्टी हुई है। तो चलो अभी निकलते हैं। रूबी दीदी भी आ गए। रूबी दीदी को मैंने बोला था कि मत आने। मैंने भी बोला मत आओ, क्यों आ रहे हैं? हाँ एक्चुअल में सीन ऐसा था ना, जो हॉस्पिटल में ना करवाना था ना, तो ऐसा हो रहा था कि वहाँ पर ना थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट्स लगते थे, बिकॉज थोड़ा लेट हो चुकी हूँ मैं इसी वजह से, तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ तो इसी वजह से, तो अब्बा की आवाज लगी ना। हाँ जाती रही है, तो इसीलिए तो फिर मैं रूबी दीदी को कॉल किया था कि कोई कॉन्टैक्ट है, तो रूबी दीदी बोले हाँ है, तो मैंने बोला चलेगा आप, तुम कॉन्टैक्ट दे दो, हम लोग पहुँच जाएंगे, कर लेंगे सब। तो बोलते नहीं नहीं मैं आ रही हूँ करके। रूबी दीदी ने ये सब चीज़ में बहुत पहले से। हाँ तो रूबी दीदी पहुँच चुके हैं वहाँ पर। अभी रूबी दीदी का ऐसा था ना, इलेक्शन के टाइम पे अभी रूबी दीदी साना मलिक के हाथ के नीचे थे ना, थोड़ा ज्यादा और पावर आ गई। यहाँ से वोट से साना मलिक जीत के आई है, तो और ज्यादा थोड़ा रूबी सैयद इस बिकम थोड़ा बड़ा रूबी सैयद था। रूबी सैयद। तो चलो अभी पहुंचते हैं हम लोग। रूबी दीदी वहाँ पर बैठे हुए और ऑफिस खुली नहीं अभी तक। रूबी दीदी को छोटा मोटा नहीं समझना, पूरा गांव पड़ा उनके हाथ में। तो गाइस अभी मैं आया था स्टेशनरी पे, एक अंकल है यहाँ पे जेरोक्स वाले, उनका मेरा आधार कार्ड का जेरोक्स चाहिए था और ये येलो वाली फाइल चाहिए थी। जितनी भी औरतें बैठी हैं अंदर, जिनके आदमी साथ में है, जो जो नया नाम लिखा नया, सबके आदमियों की नई ड्यूटी है कि अपनी औरतों को वहाँ लाइन में बिठाओ और सब येल्लो वाली फाइल खरीदने आओ। तो अभी फाइल वगैरह ले लो, अभी अंदर जाके देखते क्या है, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ, बने रहिए वीडियो। यहाँ देखो रूबी दीदी मैडम की तरह बैठे हुए हैं और यहाँ पर मेरा आदमी से एड्रेस और सब लिखवा रहे हैं, और यहाँ पर जितनी पिट्स और थे ना सबको उठ तो चिल्ला चिल्ला के जैसा बोल रहे, जैसे कि खुद नर्स है यहाँ के, वार्डन बने हुए यहाँ पर। रूबी दीदी का दबदबा बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पर ये एड्रेस एड्रेस कुछ लिखना है, तो वो सब कर रहे हैं और ये फाइल लेके अभी नवी पार्टी जीत के देखो। हाँ हम लोग पहले गेम में पहले ही बोल दिए सना मलिक के साथ ना, और सब लोग चिल्लाएंगे रूबी सही है रूबी। तो चलो अभी ये हो जाए, उसके बाद मैं आई होप कि यहाँ पर मेरा नाम डल जाए, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। चलो देखते हैं, तो मैं नहीं रूंगा ना तेरे को ये सब जगह आना पड़ेगा। बोलता है मेरे राज्य में सब जगह घूम ले, नहीं घूमना क्या ये सब जगह, लड़ी बिल्ली खाएगी या गाइस। अभी एक हॉस्पिटल में तो काम हुआ ही नहीं है साला, सोचिए हो जाएगा सुबह सात। हाँ ना यार, गलती है अपनी, कहीं ना कहीं हमारी गलती है, बट क्या कर सकते। तो अभी चलो यहाँ आए, बट रूबी दीदी कम से कम हमारे साथ इतना पूरा कर रहे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को। बार बार पता नहीं यूरिन जाने का मन क्यों कर रहा है। यहाँ से फटाफट फोन रखना, चलना बाबा। चलो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। सो गाइस अभी शिरिन यहाँ लाइन में खड़ी है और तकरीबन एक घंटा हो गया लाइन में खड़े हो गए। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे इतनी मगजमारी होती है ना लाइन्स के लिए, अरे वो लाइन, ये तो अभी आधे लोग है, पीछे अभी और है, और अभी भी और लोग तो है ही नहीं यहाँ पे। कब से शिरिन भी सीढ़ी पे बैठी हुई थी, सीढ़ी बोल रहा हूँ, ज़मीन पे बैठे हुए थे, मैं और रूबी दीदी ऐसा रोड के ऊपर चढ़ के बैठे दोनों जन। कोशिश में यही है बस, एक पेपर वर्क के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे गाइस, और हम देख रहे कि लोग इतनी औरतें आती है जो लाइन लगाते, बट मैंने अभी तक यहाँ पे ज़्यादा करके मतलब सिर्फ 2 से 3 लोगों के मैंने हस्बैंड्स को भी साथ में देखा है। हाँ रूबी दीदी, मैंने अभी तक के इतनी लेडीज़ में 2 से 3 औरतों के साथ ही खाली आदमी देखा, बाकी सब औरतें अपनी मम्मी के साथ है,
या बहनों के साथ है, सब औरतें आती है अकेले तो बट फैसिलिटी दे। हाँ तो तुम्हारी पार्टी जीती उसका क्या, मेरी पार्टी जीती उसका क्या। हाँ तो पंखे ऑलरेडी है, चालू करवाओ पहला उसको। नहीं बट गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेडीज आती है, मेरे हिसाब से उनके साथ अपने घर का एक जेंट्स तो आना जरूरी है। कंडीशन ऐसी है क्योंकि मैं कब से देख रहा हूँ यहाँ पे जितनी लाइन में लेडीज यहाँ खड़ी है, सारी की सारी प्रेग्नेंट है, सारी की सारी लेडीज प्रेग्नेंट है यहाँ पे। तो बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस, एक आदमी का होना बहुत ज़रूरी है औरत के साथ यहाँ पे, चाहे भाई हो, बाप हो, शौहर हो या उसका बड़ा। हाँ कोई भी एक आदमी होना घर का बहुत ज़रूरी है। बट सो गाइस अभी ऊपर आए फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे तो डाइसी वाला मामला लग रहा था बट ऊपर आए उन्होंने एक स्लिप दिया इसको, शिरन को ऊपर आया। अभी हम लोग रुके लाइन में, अब देखते हैं क्या होता है। इसका मुंह उतर गया है, ऐसा लग रहा है कि हो जाए काम तो अच्छा है, वरना टाइम टूटेगा और कुछ नहीं। सिर्फ एक प्रूफ के लिए हम लोग को इतनी प्रॉब्लम हो गई। और रूबी दीदी तो ऐसा है यहाँ पे रह रहे कि मतलब यहीं पे काम धंधा कर, पूरा व्लॉग आज का रूबी दीदी के नाम पे हो गया है। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर, एक प्योर वेज होटल है घाट के ऊपर। सो यहाँ पर घाट के ऊपर में सब होटल्स जो है वो वेज होती है। और ऐसा है कि यहाँ पर ऐसा है कि मतलब जो भी अजीनोमोटो ये वो फलाना ढमकाना यूज़ नहीं किया जाता है, हार्मफुल चीज़ें नहीं यूज़ की जाती। तो इसके लिए मैंने बोला कि यहीं पर खा लेती हूँ। और अम्मी काफ़ी चिल्ला रहे थे क्योंकि मैं जो हॉस्पिटल गई थी तो वो हॉस्पिटल मतलब अम्मी लोग चिल्ला रहे थे कि नहीं वो हॉस्पिटल अच्छा नहीं है वो। बट ऐसा था सिर्फ एक कुछ प्रूफ के लिए मुझे जाना था और वो प्रूफ काफ़ी हर किसी को करना वो ज़रूरी है। हाँ हर किसी को करना वो ज़रूरी है, फायदे की चीज़ है। तो सिर्फ उसी लिए जाना था मुझे, मेन मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट आने वाले चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्योंकि उसी की चीज़ें अगर मैं बनाऊँगी तो वो उसको आगे जाके काफ़ी हद तक काम आएगी, वो सब एक प्रूफ होता है। तो सामने वाले आंटी ने भी मुझे समझाया तो मैंने वो चीज़ करी, वरना मैं वो चीज़ नहीं करी थी। उन्होंने काफ़ी हद तक समझा बेटा ये सब चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि बहुत चीज़ें अभी ऐसी हो गई है कि कैसे कि यहाँ के रहवासी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सी चीज़ें बोलते रहते हैं कि ये सब चीज़ें भी मुद्दे उठते हैं। तो उसी रिगार्डिंग मैंने सब चीज़ें करी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया। मैं बहुत दुआ करते हुए आ रही थी यहाँ पर और मेरी दुआ कबूल हो गई गाइस। सच्ची में मैं इतनी टेंस थी कि मैं क्या बोलूँ। थैंक यू टू रूबी दीदी भी इतने टाइम बहुत बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि रूबी दीदी भी इतने टाइम तक थे और फिर उसके बाद में उनके बच्चे की वजह से उनको जाना पड़ा, वरना वो और रुकते थे। मैं तो इतना चिल्ला के उनको भेजी और मैंने उनको इतना चिल्ला के मैंने भेजा, अरे जाओ 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 जाओ। वो गए और कैफ को कॉफ़ी लाना, ये देना, वो देना, बहुत हेल्प करे। थैंक यू सो मच रूबी दीदी, ब्लॉग देख रहे हो तो तुम उसके लिए थैंक यू। तुम आए इतने प्यार से, इतने हेल्प करे, बोलता ना लिटरली अपने नहीं आते तो अरे तुम भी तो अपने ही हो इसे भी। बट बहुत अच्छा लगा, दिल से थैंक यू सो मच। तो अभी मैं बताती हूँ कि क्या आया है। सो यहाँ पर सबसे पहले आया है पापड़ और चटनी, फिर उसके बाद में आई है पाव भाजी और मैं तो थोड़ा ही खाऊंगी, मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी सिर्फ दाम के लिए। और एक्स्ट्रा पाव बोल दो ना उनको और एक स्वीट लाइम जूस बोल दो ना। सो गाइस आ चुका है हमारा यहाँ पर रॉयल फालूदा और क्या थोड़ा ही खाएगी वो, मैं तो नहीं खाऊंगी ज़्यादा, मेरे ऊपर ही लगेंगे, उनको ही दूंगी, मैं नहीं खाने वाली। तो बस चलो खाते हैं और कुट कुट के ड्राई फ्रूट्स डाला हुआ है और लेट्स ट्राई कि कैसा है। पहले थोड़ा पी के देखो, अच्छा ऊपर जेली भी है, ये देखो कंगल या चीकी। सो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं हम लोग और शिरीन की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि उसने सुबह कुछ खाई भी नहीं थी। मैं फिर भी बाहर निकल के मेदू वड़ा खाया था एक प्लेट, उसने वो भी नहीं खाई थी। तो
तो बस यही वजह से उसने कुछ खाई नहीं, दवा नहीं, कुछ भी नहीं था। और सेकेंडली एक ही कोने में उसको इतना कंटिन्यूस बैठना पड़ा है कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई है वो। उसकी हालत आप देख सकते हो, उठना बैठना ना बहुत भारी पड़ गया वो, क्योंकि यार एक लाइन जैसे आगे बढ़ रही थी तो थोड़े थोड़े देर में लोग बोले उठो आगे बढ़ो, उठो आगे बढ़ो। बापरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और गाइस मैं मेन वजह बता दूंगा इसकी कि हम क्यों क्या पेपर बनाने गए थे, क्या चीज बनाने के लिए हम लोग मेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे। कार्ड के बारे में बताई कि हमको मतलब एक ये कार्ड बनते हैं अभी आजकल कि बालवाड़ी में, बालवाड़ी ना क्या है, बालवाड़ी अलग हुआ, वो जो अपन ने डाले थे क्या जो उस दिन स्कूल क्या था वो, हाँ, बालवाड़ी का, बालवाड़ी का। और फिर उसके बाद में एक दूसरा एक कार्ड आता है, ताई कार्ड आता है, वो एक बालवाड़ी का कार्ड नहीं आता है, नहीं बालवाड़ी का कार्ड नहीं, मतलब नाम हम लोग चाहते हैं कि हर वो चीज जो हमने हमारी डिटेल्स इतनी प्रॉपर नहीं रखी, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं रखी, तो मैं बस चाहती हूँ कि जो आने वाला बच्चा हो उसकी हर एक चीज़ें एकदम प्रॉपर हो, उसकी पूरी पूरी एक अच्छी फाइल हो, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी हो, प्राइवेट से भी हो, और वो हर डिटेल उसके एकदम एक बंच उसका प्रॉपर बन के रहे, जैसे उसके बाप का बन के रहता है। तो इसके लिए मैंने इस बच्चे के लिए मैंने बहुत, और गाइस ये जो थाई क्या थाई कार्ड है वो थाई थाई नहीं है वो टी ए आई नहीं है वो टी ए सॉरी टी एच ए वाई ई है वो। हाँ वो कार्ड एग्जैक्टली क्या है कल जब हम जाएंगे ना तो नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको बताएंगे उसके बारे में। आप लोग प्लीज चेक करना कि वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बट जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए भी वो बहुत फायदेमंद है। देखो उसके डिटेल्स पता है क्या है उसका प्रॉफिट कि मेडिसिन ये वो हर चीजें, और जैसे पोलियो के जो ड्रॉप्स होते हैं बच्चों के yes, तो guys. उसके लिए भी वो चीज प्रॉपर काम आती है, क्योंकि देखो अभी कैसा है ना कि हॉस्पिटल में तो मैं जाके उसके इंजेक्शन तो मैं वहीं कराऊंगी, बट ऐसे जो पोलियो के जो ड्रॉप्स होते हैं वो अंटिल एंड अनलेस उन लोगों को मालूम कब पड़ता है, जब तक हम खुद से नहीं बना हमारा एक प्रूफ बना के रखते कि भाई हम यहाँ पर रहते हैं, ये हमारा बच्चा है, हमारे बच्चे को तुम ड्रॉप देने ये टाइम पे, तो वो भी देखो ज़रूरी होता है गाइस, कभी कभी हमारे ध्यान से निकलता है, बट वो लोग नहीं भूलते, वो लोग नहीं भूलते, तो वो लोग का कैसा है ना इंजेक्शन का भी हर चीज़ें सब प्रॉपर रहती है। तो इसी वजह से मैंने बोला कि देखो सेफर साइड हर चीज़ों को रखनी चाहिए, प्राइवेट तो है ही बट गवर्नमेंट की भी चीज़ें सेफर साइड रखनी चाहिए कि इमरजेंसी में अगर कभी कुछ चीज़ें काम आती है तो हम वहाँ पर भी वो चीज़ को इस्तेमाल कर। और गाइस बहुत प्लस पॉइंट है वो थाई कार्ड के, तो आप लोग प्लीज़ उसके बारे में चेक करना। बट स्टिल कल जब नेक्स्ट व्लॉग में जब हम लोग जाएंगे तो एक बार वहाँ पर भी थोड़ा वीडियो बना के दिखा देना, नंबर वो जो भी है कार्ड के बारे में अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग प्लीज गूगल पे एक बार सर्च कर लो उसके बारे में। मेरा अकाउंट भी नहीं था गाइज, मेरा ना बैंक अकाउंट मेरे खुद के नाम का नहीं था, मैं कैफ के अकाउंट से यूज करती थी मेरे नाम पे, बोल ले जान। तो इसी वजह से ना मेरे को एक बैंक अकाउंट भी बनाना था एक अकेला प्राइवेट का, फिर आने में मतलब हम पूरा एकदम डिटेल में सब कुछ बनाएंगे। अभी ऐसा ना मैं गवर्नमेंट में भी गई तो बट मेरा खान था, बट मैंने अभी तक मेरे जो प्रूफ्स है उस पे शेक नहीं हुआ है, सब पे खान है, तो फिर भी वो लोग ने। इसका सबसे बड़ा वजह क्या है शिरेन, कौन है इसकी सबसे बड़ी वजह कि सरनेम नहीं हुआ? बोलो अभी मैं, आई एम शिरेन खान शेख। तो बोल क्या बोल रही थी? तो ये उसके अपना क्या बोल रही थी, देखो तुम यार रुकते क्यों नहीं हो कैफ यार, तू ही तो बोली अभी इतनी स्टाइल में आई एम शिरेन खान शेख। अरे यार बोले दो ना कैफ। तो गवर्नमेंट केस में मैं गई तो लोगों ने ना एक चीज बोली बहुत अच्छा, मतलब कि हस्बैंड का नाम क्या है, तो मैंने बोला कि कैफ शेख, तो उन्होंने कैफ का ही नाम कंटिन्यू किया। अगर मैंने प्राइवेट में गई तो बट उस लोगों ने मेरा खान ही रखे, उसको शेख नहीं करे, गवर्नमेंट ने क्या किया शेक करे, तो वो चीज मुझे कहे ना कि बोलो अभी मैं गया। तो इसी वजह से ना वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो लोग ने मतलब अभी से कुछ कुछ डिटेल्स पे केस शेक चढ़ चुका है मेरे पे, तो आगे जाके कोई भी चीजों पे और तकलीफ नहीं होगी। तो ये वजह थी मेरी मेन करने की, इतना स्ट्रगल करने की, इतना मगजमारी करके जाने की, अपलोड हो गया है फोन दोनों के डेड थे, मेरा फोन डेड है अभी, शिरेन का एक
40-50% होगा तो फिर मैं मेरा फोन लगा दूंगा। मिलते हैं आपसे अभी थोड़ा अच्छे ब्रेक के बाद, बने रहिए वीडियो में। सो गाइस, पैर के तल चुके हैं भजिए, तो गरम गरम पानी का भी सेका ले रही हूँ, बैक पे भी अभी मैंने सेका ली हूँ, हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है। और गाइस सो गए थे हम लोग, पहले मैं सो गई थी, कैफ ने मेरे हाथ पे पीठ पे और पैर पे बाम लगा दिए थे, मैं सो गई थी। फिर उसके बाद मैं कितना घंटा सोई रहूँगी, बस एक घंटे के ऊपर, एक डेढ़ घंटा में सोई थी। और फिर उसके बाद में मेरी आँख अचानक से खुल गई क्योंकि पैर बहुत खींच रहा था। क्या हो गया, वो अलग गाना कर रही है, कौन सा वाला गाना है पता नहीं मेरे को, नाम नहीं बहुत गार्ड हो यार। तो फिर और अम्मी निकल चुके हैं इस गांव से, तो पता नहीं अभी कभी तक पहुँचेंगे। अम्मी ने बोले थे 5 बजे की ट्रेन है, तो अभी पता नहीं कब तक आएंगे। पैर के दर्द से नींद खुल गई, फिर उसकी वजह मैं उठी, उठ के पानी गर्म करी, उसमें नमक डाली, खड़ा नमक डाली, वो दाल वाल के रॉक सॉल्ट, और रॉक सॉल्ट डाल के फिर उसके बाद मैंने थोड़ा पैर सेका ले लेती हूँ। बहुत दर्द दे रहा है, बहुत दर्द दे रहा है। तीन दिन लगातार मैं कंटिन्यू सब करते रहे ना, और तो कल सुबह भी गया, जल्दी उठना है, जल्दी उठ के फिर बाद में पहले बैंक जाना है, बैंक का एक काम है वो करके मेरा जीपे ऑन करना है, फिर उसके बाद में वहाँ से जाना है मुझे जो कार्ड के लिए मेरे को जाना था वो कार्ड के लिए जाना है बस। फिर उसके बाद में एक और एक बैंक का काम है वो करना है, फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द हम करेंगे फ़ोटोशूट, और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला। तो बस आप लोग दुआ करना कि सब कुछ नॉर्मल रहे और बाकी चीज़ें भी नॉर्मल ही हो। बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करके हो चुका है, अभी खाना वाना देखती हूँ क्या बोलते हैं। हालत बहुत ख़राब हो गई गाइस, गोल्डन सिपर पे जूस भी पी के कर रहा है आदमी पीछे बैठ के। और ठीक है गाइज, मिलते बाद में। सो गाइज, मैं घर पर ही थी और ना मुझे लोअर टमी में पेन उठ गया था और एकदम अजीब सा हो गया था। मैंने गर्म पानी में पैर डालने के बाद मेरी हालत एकदम टाइट हो गई थी, फिर उसके बाद में ऐसा हो गया कि एक सेकेंड ना, मैं आप लोगों को पहले बता दी, पहली यहाँ पर मैंने अभी सब ये सब लिया है, ज़ैनब के डब्बा ये सब है, और ये इसको देना है, और यहाँ पर ये डेरी मिल्क है क्योंकि ये सामने वाले आंटी ने बोले बेटा बच्चा भूखा रहता है तो बच्चा नीचे उतर जाता है तो उसको भूख लगती है, तो इसी वजह से तो यहाँ पर कभी कभार ऐसी सिचुएशन में थोड़ा मीठा खा लो तो बच्चा खुश, बोलते ना मीठे से बच्चा खुश रहता है, तो उसी वजह से आंटी ने बोले बेटा मीठा खाइए। किसके लिए बांधे, अपने बच्चे लोग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ज़ैनब को दे रहे खाना बिल्ली के लिए और टाइसन के लिए, और यहाँ पर अपने हमारे बच्चे लोग के लिए भी खाना बांधा जा रहा है। तो उन लोग जा रहे, कैफ मेरे को बोले कि चल जाएंगे, दीदी क्या जाएंगे, मैं तेरे को कब से बोल रहा हूँ कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, पता नहीं तो मूड स्विंग हो रहा था बहुत ज़्यादा, मैं काफ़ी देर तक रोई भी, इतना रोई हूँ गाइस कि मैं दिखाती हूँ आप लोग को, मेरी आँखें देखो पहली कुछ छोटी छोटी आके और छोटी हो गई, इतना रोई हूँ कि जिसकी कोई हद नहीं। और अभी देखो काफ़ी टाइम बाद ये वाला मैंने बुरका पहना है, और तो और यूज दिख रही है बुरका पहनने के बाद, है ना? ये वो बुरका है तो पता नहीं वो बुरका कहाँ चला गया, पिंक कलर टाइप का ना कुछ, तो बुरका कहाँ चला गया यार, कैसी दिखती थी। तो बहुत मूड स्विंग्स हो रहे, बहुत ज़्यादा हो रहे, कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा है। हाँ चलो चलो, और कुछ नहीं, चलो और डाल के दूँ, नहीं बस बाद में लगेगा तो अपन दे सकते, गोनी लपट के रख दो और नेबुलाइजर ले लो। हाँ ठीक है, ले लेंगे बच्चे लोग, है ना, नेबुलाइजर ले लो। समदानी, हाँ अरे वाह पॉपिट, कैसा कर रहा था शिवाजी का बॉस,
अभी आने वाला मेरा टकला बाबा। सो गाइज हम लोग जब वीडियो कॉल आया था तो हम लोग बैठे थे फ्रूट वाले अंकल के यहाँ पर, तो थोड़े फ्रूट्स ले लिए क्योंकि मेरे फ्रूट्स ख़त्म हो चुके हैं, तो फ्रूट ले लिए। और यहाँ जैनब को पुदीना और नींबू चाहिए था तो वो ले लिए हमने। हम बस अभी आ गए यहाँ पर, जा रहे ऊपर, बहुत सारा सामान है आज तो, पहली बार आज लेके आए वरना लेके जाते जैनब कुछ शौक होगी बोली ये सब क्या है। सो गाइस हम लोग ने जैनब के यहाँ पर, जैनब ने बनाई थी पुलाव, तो पुलाव वाला खाए और अभी बच्चे लोग देखो खुश है बहुत ज़्यादा। थोड़ा थोड़ा डालो एक एक जगह पे, मैं डाल रहा हूँ मेरे हिसाब से। ये टकले करा लोग खाना, टकले को बुलाया तो सुक्कू आया। अरे सेम ही चीज़ डालते रे बाबा, बंद हो जाओ आ जाके खा सुक्कू। इधर देखता हम सबकी बोतल, इधर खा खा, इधर ये देख खाना, ये मेरा गुड्डू बच्चा है, एकदम गुड्डू बच्चा है।